अब परिसर क्या होता है उसके बारे में, सबसे पहले किसी भी संख्या का परिसर कैसे निकालते हैं। जैसे अपने को कोई संख्या 5, 3, 7, 9, 8 और 6 दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, इसका परिसर ज्ञात करो। तो परिसर जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, अधिकतम संख्या और माइनस न्यूनतम संख्या। अब अधिकतम संख्या कितनी है इसमें, सबसे बड़ी 9 है, और न्यूनतम संख्या सबसे बड़ी न्यूनतम कौन सी है इसमें, 3 है। तो इसका परिसर कितना आ जाएगा अपना, 6 परिसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना, 6 आ गया, ठीक है। तो ये होता है परिसर ज्ञात करने का। जैसे एक और क्वेश्चन दिया, 9, 8, 13, 15, 18, 7 और 6, इसका अपने को परिसर ज्ञात करना है। अधिकतम बड़ी संख्या कौन सी, 18, और न्यूनतम संख्या कौन सी इसमें, 6। तो परिसर कितना आ गया अपना, 12 आ गया। तो इस सहायता से अपने कोई भी जो आंकड़े दिए होते हैं उसमें परिसर और अपने परिसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, ये तो था परिसर ज्ञात करना। फिर आता है एक क्वेश्चन में, जैसे अपने को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7, 5, 4, 3 का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, औसत मान ज्ञात करो, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत होता है राशियों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। राशियों का योग, राशियां कितने हैं यहाँ पे, कितनी दी हुई है, 5 है, तो उनका योग करना है 7 + 6 + 5 + 4 + 3, और टोटल किसकी संख्या है, 5 है, ठीक है। 6 और कितने हो गए, 10, 10 और 20, 20 और कितने हो गए, 25, 25 बटे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी औसत मान कितना आ गया अपना, औसत मान आ गया 5। जो औसत होता है उसे अपने माध्य भी बोलते हैं, औसत इसे ही अपने माध्य बोलते हैं, और इसे ही अपने क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, ठीक है। तीनों चीज़ें एक ही होती है, फॉर्मूला सेम होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। इस हिसाब से अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6, 7, 9, 13 और 15 का अपने को माध्य ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसका माध्य ज्ञात करो, तो सेम होगा माध्य, राशियों का योग कितना हो गया, 6 + 7 + 9 + 13 + 15 बटे कितने हो, टोटल संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। योग करो 15, ठीक है, 15 और ये हो जाएगा 15, 30, 30 और 20 कितने होंगे, 50, तो 50 बटे 5, तो माध्य कितना आ जाएगा अपना, 10 आ चुका है। तो कुल माध्य कितना आ गया अपना, 10 आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जो करेंगे वो तीन टॉपिक करेंगे, एक करेंगे माध्य, एक करेंगे अपने माध्य का, और जो एक टॉपिक करेंगे वो करेंगे बहुलक, ठीक है। ये तीन टॉपिक करेंगे। अब तीनों टॉपों का सबसे पहले जो मैं लेके आती हूँ वो लेके आती हूँ माध्य, जो मैंने अभी करवाया था, ठीक है। वो माध्य का एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 7, 8 और 9 और 10 का माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य। तो वही सेम, हमेशा ध्यान रखना माध्य का सिंबल होता है एक्स बार, ठीक है। राशियों का योग कितना हो गया, 3, 7, 8, 9 और 10, टोटल संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अब इसमें ज्ञात कर लो कितना हुआ, 10 और 10 20 20 और 15 कितने हो गए, 35 35 और 8 कितने हो गए, 35 और 8 हो गए अपने 43 बटे 6। अब भाग पूरा जाएगा ना, 7.1 बचा, 7 एकम यानी 1, 7.1 इसका क्या आ गया अपना, माध्य आ चुका है, ठीक है। तो इससे अपने माध्य ज्ञात करते हैं। इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो अपने कोई क्वेश्चन अपने को अब ज्ञात करना है माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका के लिए मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, 4, 8, 3, 5, 7 और 6, ठीक है, जिस संख्या। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है उसको अपने किस में लिखते हैं, सीरियल वाइज में लिखते हैं। अब सीरियल वाइज में सबसे पहले कितनी आएगी, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, सीरियल वाइज में। टोटल संख्या कितनी है, 6, 6 के बटे में 2 करते हैं, कितना आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे, 3 उत्तर आया, 3। जो सीरियल वाइज संख्या है उसमें तीसरी संख्या कौन सी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड होगी। तो माध्यिका कितनी आ गई अपनी,
माधिका को कैपिटल एम से लिखते हैं, कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब जो क्वेश्चन अपने को दिया उसमें अपने कोई भी संख्या होती है उसको सीरियल वाइज लिखते हैं, जितनी संख्या होती है उसको 2 से भाग देते, 3, तो लगातार तीसरी संख्या कौन सी होगी, 5 है। तो माधिका कितनी होगी अपनी, 5 होगी, ठीक है। इसी तरह जैसे बहुलक का बताते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक के लिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया 5, 8, 6, 3, 2, फिर 6, फिर 5 और फिर 6। अब ये संख्या दी हुई है, बहुलक होता है हमेशा ध्यानना, बहुलक क्या चीज़ होती है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाता है, बहुलक। अब इसमें संख्या देखो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रही है, 6 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार, 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से अपने माध्यिका, माध्य और बहुलक, माध्य माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे औसत निकालना, माध्यिका होगी संख्या को सीरियल वाइज लिखेंगे, जितनी संख्या उसको 2 से जो संख्या आएगी लगातार में कौन सी संख्या। बहुलक होता है कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये तो थे माध्य माध्यिका और बहुलक के सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं अपने इसके जो बड़े क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं माध्यक कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे अपने पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल कर देते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बारंबारता कितनी दी हुई है, 2, 5, 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये किसका मान, x का मान, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। वो तो सिंपल थे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब कोई क्वेश्चन अंतराल में हो, जैसे 0 से 10 है, यानी 0 से लेकर 10 का तक जो भी संख्या आएगी वो 2 बार रिपीट हो रही है, 10 से लेकर 20 तक जो भी संख्या है वो 5 बार रिपीट हो रही है, और 20 से लेकर जो 30 तक संख्या है वो 8 बार रिपीट, इस हिसाब से अपने को दिया हुआ है। माध्य के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, माध्य को हमेशा x बार से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स बटे समीशन f। समीशन का मतलब होता है यहाँ पे एफ एक्स का कुल योग, और समीशन का होता है एफ, समीशन एफ का मतलब होता है एफ का कुल योग, एफ का कुल योग करेंगे वो होगा समीशन, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यानी टोटल एफ एक्स एफ कितना है, 20 है। अब एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स का यहाँ पे लिखती हूँ मैं एफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक आया बच्चों सभी को समझ में, एफ एक्स। अब एफ एक्स का गुना कैसे करेंगे, क्योंकि एक्स तो किस में दिया हुआ है, अंतराल में दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करेंगे कैसे, इसका 0 से 10 के बीच की संख्या कौन सी है, 5, 10 से लेके कितनी हो जाएगी, 15, फिर कितनी हो जाएगी, 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, कैसे निकाल लिया, 0 और 10 के बीच की संख्या कौन सी हो, 5 आ रही है, 10 और 15 के, अगर नहीं आता तो इसको कहते हैं 10+20/2, इसको करेंगे तो भी ये ऐसी आसानी से कोई भी संख्या अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब करो अपने एफ एक्स, 2 को इससे किया 10, कितना हुआ, 75, 25 को किया 200, इससे किया 20 और 140 और 45, एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स का टोटल योग करना है, ठीक है, एफ एक्स का जो टोटल योग करेंगे वो कितना आएगा, कर लो 200, ये रहा, ठीक है, 200 और 2 ऊपर आया, 285 हो गया, 285 और 140 कितने हो गए, 425 और 45, 770, तो यानी टोटल योग कितना हो गया, 700। अब फॉर्मूले में मारो को x बार इक्वल टू कितना है इसका, 470/20, 0 से 0 कट गया, कितना होएगा, 2, 3 पे जाएगा 0.5, यानी आंसर कितना आया अपना, 23.5। तो जो माध्य आ गया वो कितना आया, 23.5, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब अपने करते हैं, ये तो निकाला अपने ने माध्य, माध्य के लिए फॉर्मूला याद रखना, समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ, ठीक है, इसमें मान पुट करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार साइड में लिख देती हूँ कि अपना माध्य कितना आया है, माध्य आया अपना 23.5, ठीक है बच्चों, दिख रहा है उसमें,
ठीक है 23.5। अब अपने इसका करेंगे माध्यिका, ठीक है, या बहुलक करते हैं, पहले बहुलक करते हैं, ठीक है, इसको अपने यहाँ पे कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। अब अपने करेंगे इसी क्वेश्चन का बहुलक, ठीक है, एफ़ और इसमें बहुलक में और जो माध्यिका उसमें अपने को एक्स ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली किस में करते हैं माध्य में। तो सबसे पहले बहुलक के लिए मैं फॉर्मूला लिखाती हूँ, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, या इसे अपन लिखते हैं एच, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, अपने को ये जो मान चाहिए वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एल वन चाहिए अपने को, एफ जीरो चाहिए, एफ वन चाहिए, एफ टू चाहिए, आई या एच चाहिए, ये जो मान चाहिए वो कहाँ से लेके आएंगे और कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो बहुलक में मैंने जो पहले सिंपल क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या बताया था कि बहुलक क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी, आठ, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा बहुलक, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं एफ जीरो एफ वन और एफ टू, ठीक है, जो बहुलक सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उससे जस्ट ऊपर से करेंगे एफ वन एफ जीरो एफ वन और एफ टू, यानी एफ जीरो का मान कितना है पाँच है, एफ वन का मान कितना है आठ है, एफ टू का मान कितना है चार है, ठीक है। L1 होता है, ये जो मान हुआ ये L1 होता है और ये L2 होता है, तो L1 कितना हुआ अपना 20 हुआ। अब I या H का मतलब होता है अंतराल, क्या होता है I या H का मतलब होता है अंतराल, यानी इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 10 का अंतर है, सभी के मान आ गए यहाँ पे। अब अपने जो करेंगे जो फॉर्मूला है उसमें मान रखेंगे L1 कितना है 20 है, प्लस F1 कितना है 8, F2 F0 5, F1 का दुगना कितना हुआ 16 माइनस F0 माइनस और माइनस 4, I कितना हुआ 10 का, ठीक है। तो 20 प्लस कितने हुए 3, 3 को 10 से किया कितना हुआ 30, और यहाँ पे कितने बचे 7, ठीक है। हमेशा अब ये जो ये बटे में, तो इसको बटे में लघुत्तम लेके कर सकते हो, पहले डायरेक्ट इसको दे दो भाग, कितना हुआ 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पे, इसको जोड़ेगे तो कितना होगा 24.2। तो यानी जो अपना बहुलक आया है वो कितना आया 24.2, माध्यिका कितनी आई थी 23.5 आई थी, इसी क्वेश्चन के बहुलक कितना आया 24.2 आया है, ठीक है। यानी अपने ने माध्यिका निकाल ली और बहुलक भी ज्ञात कर लिया। अब अपने इसी क्वेश्चन का करते हैं माध्यिका, हमेशा ध्यान रखना बहुलक के लिए सबसे पहले ओनली फ्रिक्वेंसी देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, उससे ऊपर वाला एफ जीरो होता है, वन होता है, एफ टू होता है, इन दोनों में अंतराल आई एच होता है, एल वन ही होता है, ये एल टू होता है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले में मान पुट करना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब अपने ज्ञात करेंगे इसके लिए एक बार मैं माध्यिका, ठीक है, एक बार ये लाइन में थोड़ी सी रफ कर देती हूँ। यहाँ पे कितना था 20 से लेके 30 और यहाँ पे क्या मान था 8 था। अब अपने को क्या करनी है माध्यिका, जिसे अपने क्या बोलते हैं कैपिटल M से शो करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना किसका माध्यिका का। अब क्या करेंगे माध्यिका के लिए, यहाँ पे एक चर्च है सी एफ, सी एफ जिसे अपने बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे एफ का ये 2 है, 2 यहाँ पे का यहाँ पे तिरछा जोड़ते जाओ, कितना हुआ 7, इसमें कितना हुआ 15, कितना हुआ 19, कितना हुआ 20, और एफ कितना है टोटल 20। हमेशा ध्यान रखना जो सी एफ का लास्ट मान होता है वो एफ का टोटल मान होता है, ठीक है। अब जो अपने को चीज जो ज्ञात, एक तो अपने को एल वन चाहिए, एन बटे टू चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, आई या एच चाहिए, जो मान चाहिए। अब देखो सबसे पहले L1, L1 कैसे निकालेंगे, कौन से जो बॉक्स बनाए, तो इसके लिए सबसे पहले अपने N बटे 2, N बटे 2 ज्ञात करते हैं। N का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 है, तो 20 बटे 2 कितना आया 10 आया, जो आंसर 10 आया वो अपने किस में देखेंगे फ्रिक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में। 10 है, 10 से बड़ी सी एफ देखें, इनमें 10 से बड़ी सी एफ कौन सी है 15 है, तो 15 वाला ये जो अपना हो गया बॉक्स हो गया, यानी यहाँ पे जो 10 आया है इससे बड़ी सी एफ देखे हैं, 10 तो होगी नहीं, इससे जस्ट बड़ी कौन सी है
पंद्रह है। अब L1 कितना, ये मान L1 होता है तो L1 कितना हो गया 20, n बटे 2 कितना आया 10। अब CF तुम ये नहीं रखेंगे, CF जो यहाँ पे जो CF रखेंगे वो जो इसकी छोटी वाली रखेंगे कितना हुआ 7। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसी बॉक्स में 8 का, अंतर कितने का हो गया अपना 10 का अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया सभी को समझ में? मान पुट करो 20 प्लस एन बटे 2 10 माइनस के 7, एफ का मान 8 है इंटू कितना हुआ 10, तो 20 प्लस ये हो गया तुम्हारा 30 बटे 8, 3 को किया 10 से तो इधर हो जाएगा 20 प्लस कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, 8 ये 24, 6 बचे और 7 और 2 56 तो कितना आएगा 23.7। तो अपना माध्यिका कितना है अपना 23.7। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अपने ने माध्य माध्यिका बहुलक तीनों चीज़ें ज्ञात की है तो आंसर इसका 23.5, 24.2 और 23.7 तो लगभग मान सिमिलर आए हैं। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे माध्य माध्यिका और बहुलक वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो कल अपने जो टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे प्रायिकता टॉपिक।